हमारे निखिल तिवारी जी, राम कुमार तिवारी जी के सुपुत्र हैं, अजय पटेरिया जी किसान मोर्चा, और हमारे माननीय रमेश सिंह जी लोधी जो सहकारिता बैंक के अध्यक्ष हैं, और हमारे माननीय गंधर्व सिंह बाबूजी जो हमारी विधानसभा और ललितपुर विधानसभा के प्रभारी हैं, और हमारे माननीय हरिश्चंद्र महाराज जी, बब्बू राजा साहब, गौतम जी और हमारे यादव जी, और भैया पटाखा जी और कुल्लू दुबे जी, और जिला पंचायत सदस्य राम कुमार जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय श्री हरपाल सिंह जी देव, और दाऊ साहब, और हमारे पूर्व संयोजक हरिराम लोधी जी, और हमारे मान सिंह मंडल सदस्य जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीतू सिंह जी, और भाई साहब ब्लॉक प्रमुख जी, एवं हमारे सामने बैठी हमारी माताएं, बहने, बुजुर्गण और प्रधानगण, और बूथ का प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, संगठन के प्रभारी, और समस्त सभी दाऊ साहब, जमान साहब, कक्काजू साहब, मंझले राजा, संझले राजा, मोटे राजा, पतरे राजा, सभी के लिए, तो सभी पंडितों को मैं वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं। आज हमारे देश के अंदर स्थापना दिवस मनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी को सन 80 में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी। उनके पुरोधा हमारे परम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रयासों से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ऐसे और अडवाणी जी के द्वारा ऐसे कार्य किए कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसमें 17 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऑनलाइन कार्यकर्ता बन चुका है। मैं निवेदन करूंगा, समय कम है, बोलने वाले अधिक हैं, लेकिन मैं 4 लाइन कह देता हूं कि आपको सुबह 7 बजे नहीं उठना है, 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ करके और बढ़िया नहा धो करके, 2 अगरबत्ती लगा करके, और सीधा 7 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंच जाना है। मैं माताओं से जरूर कहूंगा, और माताएं बहुत ईमानदार होती हैं, सज्जन होती हैं, वो 4 बजे उठेंगी तो लीपा पोती कर लें, गोबर डाल लें और कंडा थाप लें, और खाना भी तैयार कर देंगी, और खाना खा के जाओ या ना जाओ, लेकिन वोट डालने 7 बजे पहुंचना है। अभी सभी ने विनती की है, मैं भी विनती करता हूं भोलेनाथ से, बाबा विश्वनाथ से, कि उस दिन छाया बनी रहे, 20 मई को छाया बनी रहे, जिसमें पंडित ठाकुर जो घर से नहीं निकलती हैं, उनको भी घर से निकालें, क्यों कि बात आन मान शान की है, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, इसलिए हमें हर परिवार का पूरा वोट मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि हमारे परम आदरणीय श्याम सुंदर सिंह जी भगवान राम से दर्शन करके मिल करके आए, और श्याम सुंदर सिंह जी राममय होकर के फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसी कृपा भगवान की होती है, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सबको ही। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो नेतागिरी, ज्यादा नेतागिरी दिखाते हो,
वो सुबह 7 बजे पहुंच जाए तब मैं नेता मानूंगा, और पूरे वोट डलवाए तब मैं नेता मानूंगा, और वोट डलवा के फिर घर घर जाकर के हर पन्ना प्रमुख को भेजें, हेल्प करें और पूरे वोट निकलवाएं, जिससे अपना ललितपुर जिले का नाम, मेहरौनी जिले का नाम, मेहरौनी और ललितपुर मिलाकर के हम लोग झांसी मिलाकर के इतना वोट डलवाएं, इतना वोट डलवाएं कि सीधा कमल का फूल, जो माँ लक्ष्मी का कमल का आसन फूल होता है, तो माँ लक्ष्मी जिस पर कृपा करती है, लक्ष्मी बारों को लक्ष्मी ही कृपा करती है। ऐसी कृपा है अनुराग शर्मा की, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं कसम खाता हूं इस मिट्टी की, मैं कसम खाता हूं इस मिट्टी की, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसने 370 धारा हटा करके 35 से हटा करके और हमारे जैसे बाहर के लोग बाग खुशी से रह रहे हैं कश्मीर में, ऐसे वहाँ ब्याह शादी हो रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। पहले आतंकवादी गोलियों से भून जाते थे और चले जाते थे, कोई भी गुंडा पूछ नहीं हिला पा रहा है। अब हमारा देश का वो प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो कोई भी गुंडा पूछ लाएगा तो सीधा जेल में ठोक दिया जाएगा, नहीं तो सीधा चूर में पैर दिया जाएगा, नहीं तो तख्ती लटका करके आ जाएगा कि हम साग सब्जी बेच रहे भैया हमें जेल में मत भेजो, और नहीं तो सीधा जमीन जायदाद और समाजवादी का नारा है और खेत खलियान और प्लाट खाली प्लाट हमारा है। अब वो तभी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम तो आपके साथ में हैं, हमें ऊपर नहीं जाना है भैया। इसलिए हमारे ये हंसी की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, लेकिन सब सपा बसपा कांग्रेस सब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए आ गए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका मैं वंदन अभिनंदन और चरण वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने वास्तव में इतना वोट दिया कि पूरा इतना वोट मेहरौनी विधानसभा से मिला कि 1,10,551 से मैं जीता हूँ। इतने वोट भी नहीं आए जीतने वालों के, इतनी जीत है। और हमारे माननीय परमादरणीय श्री राम रतन कुशवाहा जी की 1,07,251 वोट आया, तो हम दोनों को वोट मिलाकर के और हर बूथ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मंडपम दिल्ली में कहा कि जितने लोग भी मन्नू लाल तुम्हें मिले सबको आपको मोदी जी की राम राम जरूर कह देना, तो सभी लोग भैया मोदी जी की राम राम पहुंच जाए और सभी लोग अपने फोन से राम राम करवाएं और जे कहें माताएं बहनें रिश्तेदारों से, समधी से, समनन से, सारा से, सारी से और सबसे, मतलब जीजा से, जिस सबसे कहवे कि कान में ध्यान से सुनो और चाहे तेलदार के सुनो, लेकिन कमल के फूल को वोट देना है, इतनी बात जरूर करना है आप लोगों को, उससे हमारा कम से कम 50,000 वोट बढ़ जाएगा। ये हर मैं कार्यकर्ता से कहता हूँ, माताओं बहनों से कहता हूँ, क्यों कि जब तुम अपनी घर की लड़ाई मायके में फोन से कह देते कि हमें सास ससुर परेशान कर रहे, तो सास ससुर परेशान करवे के लाजन हो, तो मैं कान में ये कहना है कि कमल के फूल को वोट देना है, इस सबसे बड़ी आपकी ईमानदारी और सबसे बड़ा वोट बढ़ने का एक तरीका है, इस बात को जरूर करना है। क्यों कि तुम बुढ़ापो आगो जैसे तो मोड़ी मोड़न से फोन करो और रिश्तेदार को, उनसे भी बात बन जाएगी, बहन बेटियों से भी कराएं, जिससे यह काम अपना सफल हो जाएगा। क्यों कि अब कहते थे कि खून की धाराएं
नदियां बहेंगी, अगर कश्मीर तुमने ले लिया तो खून की धाराएं बहेंगी, ना खून की धारा वही ना कुछ हुआ, पसीना तक तो बहा नहीं है और पूरा कश्मीर अपना साथ हो गया है। और कश्मीर कभी जाइए, अभी मैं जब जीत जाएंगे शर्मा जी तो कहेंगे कि भाई कुछ लोगों को चुन चुन कर कश्मीर जरूर भेज देना। अरे प्लॉट ले ले, बताई प्लॉट, बताई प्लॉट, बताई लेने, बताई प्लॉट लेने। एक नहीं नहीं प्लॉट प्लॉट के नहीं होटल भी बताई बनने वाले। हाँ ललित पुर का एक होटल होता ही। अरे अब ऐसे तो बड़े लूट लू कौन होगा, इतना जितना चलता है उतना तो चल सकता है, और नहीं हो तो भैया रामलला के दर्शन करा तो मैं चार लाइन कहना चाहता हूँ कि मोदी और योगी की सोई हुई जनता थी उसको राशन पानी देकर जगा दिया, और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा करके 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब मजदूर किसान और जवान बन जाता है हाकिम, मोदी जी और योगी जी ने और अनुराग शर्मा जी ने ऐसा करके दिखा दिया, ऐसा करके दिखा दिया। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी बात को राधे राधे करता हूँ और जय सियाराम करता हूँ, और भगवान रामचंद्र जी की आप एक बार जयकारा लगा दे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जय जय श्री राम, जय श्री राम।